का स्वागत है आपका इवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। देश में लोगों का करोड़ों रुपया अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में शेयर, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस में फंसा हुआ है। ऐसे में शेयर समाधान कंपनी लोगों के डूबे हुए निवेश को निकालने में देश की अग्रणी कंपनी के रूप में काम कर रही है, जिससे कि अभी तक देश विदेश में रह रहे भारतीय निवेशकों का 25 करोड़ से ज़्यादा का निवेश शेयर समाधान निकलवा चुकी है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए कंपनी के निदेशक और को फाउंडर अभय चंडालिया से एवन न्यूज़ ने खास बातचीत की। लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे शेयर्स के, प्रोविडेंट फंड के, म्यूचुअल फंड के, एफडी के, इंश्योरेंस के, पोस्टल सेविंग्स के, लोगों के डूबे हुए पड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं उसमें इंक्लूड जो फिजिकल शेयर के फॉर्मेट के अंदर में पड़े हुए हैं, जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है। कई बार आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, उस कारण से ये अनक्लेम्ड पैसा इकट्ठा होते चला जाता है। मोदी सरकार इस विषय में क्या कर रही है? मोदी सरकार के आने के बाद में 2016 के अंदर में IEPF अथॉरिटी बनी, जिसके मुताबिक जो डिविडेंड अनक्लेम्ड हो जाता है लगातार 7 साल तक, तो वो डिविडेंड गवर्नमेंट के पास चला जाता है IEPF अकाउंट के अंदर में। और अब जो रूल आया है उससे 2016 के बाद में जिन शेयरों का डिविडेंड अनक्लेम्ड हो रहा है उन शेयरों की ओनरशिप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली जाएगी, IEPF के पास में चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निवेशक अपने पैसे वहाँ से रिकवर नहीं कर सकता। आप अपने निवेशकों के पैसे, निवेशक वहाँ जा करके गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी कंप्लाई करके, फॉर्म नंबर 5 है उनका, उसके अंदर में फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके वो पैसे वहाँ से रिकवर कर सकता है। और इस कारण से लोगों के जो पैसे कुछ प्राइवेट प्रमोटर्स ने फ्रॉड करके अपने खातों में ट्रांसफ़र कर दिए थे, उससे लोगों को बहुत बड़ा बचाव इस मोदी जी के आने के बाद में मिला है। मैं इसके लिए मोदी जी की सराहना करता हूँ। शेयर समाधान का विचार आपके मन में कैसे आया? बहुत समय, करीब 5 साल पहले की बात है कि एक क्लाइंट हमें अप्रोच किया और वो कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि मेरे पिताजी के नाम से कुछ शेयर थे और उसके पास कोई भी कागज नहीं था। तो हमने इसको न्यू अपॉर्चुनिटी सोचा और उसकी कोशिश करके लगभग 60 लाख रुपए हमने उसको निकाल करके दिए। वो फूले नहीं समा रहा था, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा जादू भी हो सकता है। तो ऐसा पब्लिक को नहीं सोचना चाहिए कि अगर उनके सारे कागज़ खो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, चोरी हो गई है और किसी भी समस्या से वो जूझ रहे हैं तो उसका समाधान नहीं है। कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती है। शेयर समाधान ने अपना नाम भी इसीलिए रखा है कि समाधान हम लोग शेयर करते हैं, उनकी सारी समस्याओं के समाधान दे करके निवेशकों के पैसे निवेशकों के खाते के अंदर में आ जाए, यही हमारा मिशन है। अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीजें आप ताकि लोगों को ये ना डूबे? हम लोगों को कुछ शिक्षा देते हैं कि आप अपने निवेश के डॉक्यूमेंट एक सुरक्षित जगह पे रखें, एक अपने परिवार को सारे निवेश की जानकारी देख के रखें। जैसे कि कई बार निवेश जो मैंने बताए, शेयर्स, PF, म्यूचुअल फंड, FD, डिपॉजिट, पोस्टल सेविंग्स, NSE, PPF के अलावा इंश्योरेंस, उसके साथ साथ कई बार किसी को हमने लोन भी अगर दे दिया तो किसी दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने शेयर ले लिए, तो कई बार दोस्त को फ्रेंड को, रिलेटिव को भी हमने अगर पैसे दे दिए और उनके लोन के डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट भी अगर नहीं बने हैं तो उनकी जानकारी परिवार को नहीं होने के कारण से वो पैसे डूब जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब कभी भी आप कैसा भी निवेश किसी के साथ भी करें तो उसकी जानकारी अपने परिवार को जरूर दें और एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर में रखें। शेयर समाधान ने वेल्थ समाधान कार्ड लॉन्च किया है, जिसके अंदर में आप अपने निवेश की जानकारी वहाँ पे रख सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर में। उस केस में हम निवेशकों को बताते हैं कि आपके इतने पैसे हैं और उसके कुछ पैसे हैं जिसकी जानकारी हमने इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखी है, हम देख नहीं सकते। लेकिन परिवार को जब कभी किसी घटना दुर्घटना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई इंसान अपनी जान खो बैठ सकता है, जैसे कि ट्रक का एक्सीडेंट हो जाना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाना, रोड का एक्सीडेंट हो जाना, उसके अलावा अचानक से मृत्यु के कारण हर 33 सेकेंड के अंदर में एक आदमी हार्ट अटैक से मरता है, तो उस केसेस के अंदर में हमें कल्पना भी नहीं होती है कि हम अगले पल जिएंगे या मरेंगे।
तो उस केस के अंदर में जब लोगों को जानकारी का अभाव होता है तो एक निवेशक अपने पैसे रिकवरी कैसे कर पाएगा, जिसकी जानकारी है, कागज घर में पढ़े, उनको निकालने के लिए भी इतनी सारी कॉम्प्लिकेसी है, इतनी फॉर्मेलिटी है, लीगल प्रोसेस है, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, आपको कंपनी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, वसीयत अगर नहीं है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इस तरह की सारी समस्याएं आदमी जूझते जूझते तबाह हो जाता है, परेशान हो जाता है और एक दिन आशा उनकी निराशा में बदल जाती है। तो जब लोगों की आशाएं निराशा में बदल जाती है तो शेयर समाधान एक आशा की किरण दिखा करके उनका प्रयास, उनको उनके पैसे दिला करके उनके घर में खुशहाली लाता है। सर, ये समस्या एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके बारे में लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस बहुत कम है। कैसे ये लोगों तक ये इंपॉर्टेंट चीज आप पहुंचाते हैं? देखिए, ये एक तो सबसे पहले तो हमें खुद चैरिटी बिगन सेट हो, हमें खुद ही ये जानकारी अपने परिवार को देनी चाहिए और परिवार को ये बात बोलनी चाहिए कि आप आगे एक एक दूसरे को देते जाएं। एक दूसरा, हम लोग ईमेल अवेयरनेस करते हैं, यूट्यूब के ऊपर में भी अपने सेमिनार्स को और प्रेजेंटेशंस को डालते हैं, SMS लोगों को भेजते हैं, व्हाट्सएप भी लोगों को करते हैं, और हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी करते रहते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कॉरपोरेट्स के अंदर में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, वेल्थ मैनेजर्स को, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, जो शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ब्रोकर्स को भी हम लोग बताते रहते हैं कि आप अपने निवेशकों को इस तरह की जानकारी दें, उनको ईमेल करें। और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ में जुड़ा भी है, अभी तक करीब हमारे करीब 15,000 लोगों ने वेल्थ समाधान कार्ड को सब्सक्राइब भी किया है, जो हमारे मेंबर बन चुके हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उन 15,000 लोगों को तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और बाकी अभी बहुत लोगों को अप्रोच करना है हमें, और इस तरह की जानकारियां और बढ़ाते रहनी चाहिए। इसमें CA इंस्टीट्यूट CMA इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाती रहती है, सेबी की स्कीम के तहत। IPF भी अपना फंड यूज़ करता है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराने के लिए, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े हो पाते हैं और बहुत लिमिटेड लोगों को ही हो पा रहा है, तो इसकी ज़रूरत है। NSE भी कई बार फुल पेज ऐड भी देते हैं, BSE भी देता है ऐड अवेयरनेस के लिए अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को इसकी जानकारियाँ पहुँचाएँ। आने वाले टाइम के अंदर में जब ये निवेशकों का डीमैट अकाउंट उससे जुड़ जाएगा, आधार से जुड़ जाएगा, तो शायद ये समस्या कम हो जाएगी। NRI सबसे ज़्यादा इससे पर वो है, और इसके अलावा कितने लोगों ने आज तक आपको अप्रोच किया और कितने अमाउंट के अंदर पैसा आपने? अभी तक हमने लगभग 100 लोगों का पैसा निकाल करके दे दिया है, जिसकी आज की तारीख में करेंट मार्केट वैल्यू 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और अभी हम लगभग 200 क्लाइंटों के साथ में 200 और लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्लाइंट्स इंडिया के भी हैं, लंदन के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, दुबई के भी हैं, और भी नेपाल के भी हैं, कई सारी कंट्रीज़ के हमारे क्लाइंट्स हैं। उनके पास ये समस्या है कि एक तो नॉलेज नहीं है, करे तो क्या करे, उसके अलावा उनके लिए ये संभव नहीं होता कि वो हर जगह के दर दर भटके और धक्के खाए, उनके पास समय भी नहीं होता है, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ ही समय है। वो इंडिया अपने हॉलीडेज पे आते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, तो वो करे या इन झंझटों से को झेले, तो इसलिए उनके लिए शेयर समाधान जैसी संस्था एक रामबाण की तरीके से है। शेयर समाधान को अपने काम करते हुए कितने एप्रिसिएशन अवार्ड्स के बारे में कुछ बताएं? हमें एक्सीलेंसी अवार्ड मिला, लायंस क्लब ने भी दिया और इंस्टीट्यूशन ने भी दिया, और मर्चेंट बैंकिंग फर्म ने भी हमें दिया जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी मीडिया ने भी हमें काफ़ी सराहा है, लोगों को इतना पसंद आता है ये आर्टिकल कि लोग सुन करके विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसी भी कोई संस्था है। सुन करके लोग हमें फीस के साथ साथ बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं, और बाकी तो अभी जारी है यात्रा, यात्रा की तो शुरुआत हुई है अभी, और अगले साल का लक्ष्य हमारा है कि हम लोगों के कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा रिकवरी करके दे पाए। अंत में आप दिल्ली की जनता या भारतीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भारतीय जनता को यही एक संदेश देना चाहेंगे कि अपने निवेश की जानकारी को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सूचित रखें, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर में हर तरह की इंफॉर्मेशन जानकारी को अपने पास में रखें और अपने परिवार को बता करके रखें, क्योंकि घटना दुर्घटना बोल करके नहीं आती है, अगले क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर इंसान ने अपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया किसी भी कारण से, फ्लड के अंदर में, बारिश के अंदर में, कहीं खो भी गए, चोरी भी हो गए, तो उन सबसे बचने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट या डिटेल्स है उसकी एक कॉपी अपने परिवार के और एक अपने भाई या बहन या जो कोई भी रिश्तेदार जो उनके साथ नहीं रहता हो उनके पास में जरूर रख देना चाहिए, ताकि कभी ऐसी दुर्घटना घटना हो तो वो आदमी उसको रिकवरी करने का प्रयास कर सकता है। थैंक यू जी। हमारे पास पूरे इंडिया से, इनफैक्ट कई अब्रॉड से भी क्वेरीज आती हैं कि जिनका कई इन्वेस्टमेंट में शेयर्स खो गए हों, या उनका नाम में मिसमैच हो रहा हो, सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है,
या उनके पास हो सकता है कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के, या सर्टिफिकेट्स खो गए हैं बट उनके पास कुछ पुराने पेपर्स पड़े हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं को वो हमारे पास लेकर आते हैं और फिर हम उस पर रिसर्च करके उनको बताते हैं कि आज के दिन में उनकी इन्वेस्टमेंट की टोटल क्या वैल्यू हो रही है और उसको फिर कैसे रिकवर किया जा सकता है। और इस तरह से हम उनके साथ एक MOU करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और 3 महीने 4 महीने 6 महीने जैसा भी जिस केस के हिसाब से टाइम लगता है उस केस में उनको हम रिकवरी करा के देते हैं। आज तक कितने कस्टमर्स आपके पास आए और कितनी रिकवरी आपने करा? अगर मैं लीड्स की बात करूं तो हमारे पास कम से कम 1000 से 1200 से ज्यादा के लीड्स आए हैं और उसमें से हमने 100 से ऊपर के शेयर जो कस्टमर्स हैं उनका हम रिकवरी करा चुके हैं जिसकी आज के दिन में मार्केट वैल्यू करीब 25 करोड़ है और अभी हम फिलहाल 200 से ऊपर के क्लाइंट्स की रिकवरी कर रहे हैं जिसकी वैल्यू करीब 45 से 50 करोड़ के बीच में है और हमारा टारगेट है कि हम अगले फाइनेंशियल ईयर तक 100 करोड़ की रिकवरी हम करा के दें लोगों को। जब आप रिकवरी कराते हैं तो क्या रिएक्शन आता है परिजनों का? रिकवरी में उनका एक तो उनकी खुशी जो है वो देखने लायक होती है क्योंकि लोगों का जो काफी 5 साल 10 साल 15 साल से पैसा फंसा हुआ है और जरूरी नहीं है खुद उनका, हो सकता है उनके परिजनों का, उनके दादा परदादाओं का जो पैसा फंसा हुआ है उसका, जिसको कई बार उनकी जानकारी भी नहीं होती कि उन्होंने उनके पेरेंट्स ने उनका इन्वेस्ट करके रखा है, उसको भी जब हम निकलवा के देते हैं तो वो उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। अपनी हमें जो फीस मिलती है वो तो है ही बट उसके साथ हमें उनका काफी आशीर्वाद भी मिलता है। थैंक यू।